पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आई तेज आंधी ने घर की छत पर खेल रहे एक मासूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की शाम को बच्चा घर की छत पर खेल रहा था, तभी अचानक तेज आंधी आ गई और बच्चा तेज आंधी की चपेट में आ गया और तेज हवा ने बच्चे को छत से उड़ा दिया। बच्चा आंधी की वजह से छत गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। फिलहाल निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। जब प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली या नहीं तो परिजनों का कहना है कि पहले हमें अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए। फिलहाल आंधी में उड़ा बच्चा गंभीर हालत में भर्ती है। छत पर खेल रहे थे बच्चे, 6:30 बजे समथिंग आंधी आई, उसके दौरान ही गिर गया। और गिरने के बाद जो है हम ट्रीटमेंट के लिए TMU लेके गए, वहाँ पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी डॉक्टर नहीं था, केवल सीटी स्कैन वगैरह कराए गए और एक्सरे कराए गए थे। बस उसके लिए हमको सिर्फ रेट बता रहे थे वो कि 1800 रुपये चार्ज ICU का बेड का पड़ेगा और फला फला रेट बता रहे थे। किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, बट हमें तसल्ली नहीं हुई, हम वहाँ से निकाल कर यहाँ कॉस्मोस लेके आए। हाँ, खेल रहे थे, थोड़ा हवा का झोंका आया था तो उसमें गिर गया था। बहुत तेज थी। अब कैसी है बच्ची की? अब थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, ICU में है, थोड़ी नॉर्मल है। बच्चा मेरा छत से गिर गया था। कैसे? छत पर खेल रहे थे बच्चे, आंधी जो आई थी उसी के दौरान ये घटना घट गई। कितने बजे आई थी? 6 बजे के आसपास की घटना आ रही है। बच्चे गिर गया, हम इसको जो है ट्रीटमेंट के लिए वहाँ ले गए TMU, लेकिन वहाँ 6:30 बजे या 7 बजे तक वहाँ पहुँच गए होंगे हम लोग। वहाँ पहुँचने के बाद कोई किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। लगभग 11:30-11 बजे हम बच्चे को वहाँ से लेकर आए। अब कैसे स्थिति है? अब तो बच्चा एडमिट है यहाँ पे, कुछ पहले से सुधार है, ट्रीटमेंट चल रहा है। आंधी बहुत तेज थी। नहीं नहीं, मैंने इस तरह की कोई सूचना नहीं दी प्रशासन को, क्योंकि इतना समय नहीं था। मैं बच्चे को भागदौड़ी में लगा हुआ था, या प्रशासन को इस बात की मैं खबर देता, बोला साहब मेरा बच्चा की छत से